हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेडी के। और फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप फ्रेंड्स सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो बात करने वाला हूँ आपसे, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि जो आज की हमारा टॉपिक है, इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो यहाँ पर वर्क परमिट होल्डर हैं, जिनके पास वर्क परमिट पर जो लड़के यहाँ काम करते हैं लेबर्स में या कंस्ट्रक्शन में, उनकी लाइफ के बारे में, और मैं आपको जो स्टूडेंट्स की लाइफ के बारे में बताऊँगा। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यहाँ पे ये जॉब टफ़ है, या फिर यहाँ पे लाइफ बहुत टफ़ है। इवन कि अगर मैं देखूँ तो मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट की लाइफ टफ़ है, बट इतनी टफ़ नहीं है जितनी वो बोलते हैं कि मैं काम पसंद नहीं आया, यहाँ पे हार्ड वर्क है, यहाँ पे ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, तो बहुत सारे इशूज़ हैं दोस्तों। मैं जो आपको ये सच्चाई बताना चाहता हूँ आज की वीडियो में, कि जो स्टूडेंट्स है यहाँ पे, मुझे नहीं पता वो यहाँ पे किस तरह की जॉब सोचते हैं, किस तरह का माइंड सेटअप करके आते हैं इंडिया से कि हमें ये चाहिए, यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेटअप करके आते हैं वो। तो आज का टॉपिक मैं आपसे यही डिस्कशन करूँगा, इवन मैं आपको दिखाऊँगा आज की वो वीडियो दिखाऊँगा आपको जो यहाँ पे वर्कर की लाइफ है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो जो है पूरी लास्ट तक देखना। आज मैं आपको पूरा उसमें दिखाने वाला हूँ कि जो वर्कर की लाइफ किस तरह की लाइफ है। तो उससे पहले दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो। और साथ में जो मेरा दूसरा चैनल है नोमैडिक के ब्लॉग्स, उसको भी दोस्तों प्लीज़ जो है लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करो। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ रिप्लाई करूँगा। और बहुत सारे लोग मुझे वहाँ पे भी बोलते, भाई तुम तो रिप्लाई नहीं करते, तुम ये करते हो। अब भाई मुझे हज़ारों मैसेज आते हैं, मैं कितने बंदों का रिप्लाई कर सकता हूँ भाई, क्योंकि मैं भी यहाँ पर जॉब करता हूँ, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि मैं सबका रिप्लाई करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया आपको कि आज हम बात करने वाले हैं, जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वर्कर की लाइफ के बारे में, आपको मैं साथ में वीडियो भी दिखाऊंगा कि किस तरह की स्टूडेंट्स की लाइफ होती है और किस तरह की जो वर्कर की लाइफ होती है। अगर आपको लगता है कि फिर भी स्टूडेंट्स की लाइफ यहाँ पर अच्छी नहीं है, बहुत स्ट्रगल है, तो मुझे नहीं लगता भाई, अगर आपके लिए स्ट्रगल है तो जो यहाँ पर वर्कर पर ये काम कर रहे हैं उनके लिए क्या है। तो आइए आपको भी दिखाता हूँ मैं ये किस तरह से उनका ये यहाँ का लाइफ स्टाइल है। दोस्तों, अभी जो ये सुबह सुबह गाड़ी की यहाँ पे वेट की जा रही है, तो जो जितने भी यहाँ पे लड़के खड़े हैं सारे अपनी अपनी साइड पे, जहाँ भी इनकी साइड है, जो गाड़ी इनकी कंपनी की यहाँ पे आएगी और इनको यहाँ से पिक करेगी और वहाँ पे ड्रॉप करेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है मोस्टली कंपनीज़ का होता है। तो आपको देख सकते हो कि जितने भी यहाँ पे ऑरेंज यूनिफॉर्म में खड़े हैं या और भी कुछ लड़के यहाँ पे खड़े हैं, सब लोग ये अपनी अपनी गाड़ी का ही वेट कर रहे हैं। और बारिश भी अभी शायद होके हटी है, तभी ये सड़क गीली है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं, तो मैं आपको जो मेन बात है वो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सबकी लाइफ टफ़ है यार। अगर आप बोलते ना कि सिर्फ स्टूडेंट की टफ़ है या वर्कर्स की ही टफ़ है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे सबकी लाइफ टफ़ है, बस सबका तरीका अलग अलग है। अब यहाँ देखिए, आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, सुबह जल्दी उठ के आपको यहाँ पर आना पड़ता है और यहाँ पर वेट करनी होगी आपको, आपकी गाड़ी की, गाड़ी आने से पहले आप यहाँ पे होने चाहिए। तो क्योंकि अगर आपकी गाड़ी मिस होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको जो है आपकी खुद की ही ट्रांसपोर्टेशन फिर करनी पड़ेगी, आपको खुद यहाँ से जाना पड़ेगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं सारे जितने भी यहाँ पे लड़के हैं, जो भी हैं, सब अपनी अपनी गाड़ी का ही वेट कर रहे हैं। ये आपको सारा व्यू दिखा देता हूँ एक बार उस तरफ से भी। तो ये जो वीडियो मैंने बड़ी मुश्किल से अरेंज करिए कहीं से, तो मैंने सोचा कि ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि ये किस तरह की, मतलब कि आप अगर सोचते हो कि सिर्फ स्टूडेंट की लाइफ टफ़ है, तो हर किसी की टफ़ है यहाँ पे, सबकी बराबर ही है भाई, तो कोई ऐसा नहीं है। स्टूडेंट की भी ऐसी है तो वर्कर्स की भी ऐसी है, ऑलमोस्ट सब सेम से भी है। तो अगर आप अभी घर से आए हैं यहाँ पर, तो आपको पता है काम करने हैं तो इतना तो होगा ही भाई, तो ईजी तो होगी नहीं यहाँ पर, ये तो आप घर से सोच के ही चलना पड़ेगा कि ईजी नहीं होने वाली है। स्टार्टिंग तो टफ़ होता ही है, बाद में धीरे धीरे जो है ठीक हो जाता है। अब ये देखिए, तो आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए अरेंज करी है कि आप लोगों को मैं ये दिखा सकूं। सो दोस्तों, अभी जो मैंने आपको ये वीडियो दिखाई, हम कर रहे हैं कितने बजे सुबह उठते हैं और किस तरह से उनका सारा जो है डेली की रूटीन है,
तो आई होप जो स्टूडेंट हैं उनसे बहुत बेटर है, बहुत अच्छी लाइफ है उनकी सिंगापुर में अकॉर्डिंग टू वर्क परमिट होल्डर। आई होप आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है, तो आप उस चीज़ को मे भी समझ चुके होंगे कि क्या मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहता। मैं जस्ट आपको यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आओ। चाहे आप वर्क परमिट पे आ रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट पे आ रहे हो, तो आप ये मत सोचो कि यार मुझे को यही चाहिए, मेरे को एक पर्टिकुलर जॉब चाहिए, मेरे को एक सेटिंग प्रोफाइल चाहिए, भाई वहाँ तो टफ है, वो ये हो गया वो हो गया। तो भाई वो चीज़ें जो है, अगर आपकी किस्मत बहुत तेज़ हुई तो हो भी सकती है, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको खुद की जो आपका खुद को आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे सक्सेस हो सकते हो। अगर आप बोलो कि अगर आप आते ही यहाँ पे पहले महीने में ऐसे कर दोगे वो कर दोगे, वो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ ये ख़त्म करते हैं वीडियो, और मेरे इंस्टा पे प्लीज़ मुझे फॉलो करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इस बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो ओके दोस्तों, बाय बाय।